प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागार में पूर्व विधायकों के सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के लगभग सभी पूर्व विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पूर्व विधायकों का स्वागत किया। पूर्व विधायकों के सम्मेलन में उनका दर्द सामने आया। पूर्व विधायक जसवंत सिंह ने मंच से कहा कि पूर्व विधायक मांग करते हैं तो खिल्लियां उड़ाई जाती हैं। कम कीमत में मिलने वाले खाने को लेकर आलोचना होती है। हम लोगों की तकलीफ सुनते हैं लेकिन हमारी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं। पूर्व विधायक होने के बावजूद दो दो रुपए के लिए हाथ फैला रहे हैं। पूर्व विधायकों को कोई किराए से भी मकान नहीं देता। पूर्व विधायकों को संसदीय सचिव के बराबर की सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मंच से कहा, मैंने आज पूर्व विधायकों को निमंत्रण दिया है, पक्ष विपक्ष को नहीं। विधानसभा के अंदर जो बुराई आ रही है उसको दूर करना है। हमारे लिए मतलब एकदम नई सी चीज नहीं थी, लेकिन जो बरसों पहले यहाँ थे उनके लिए तो सब चीजें नई थी। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। पूर्व विधायकों को सम्मान मिलना चाहिए, मिला है, इसलिए ये कार्यक्रम की मैं प्रशंसा करता हूँ। ये गेट टुगेदर का सम्मेलन था, समस्या है, इसलिए मैंने, मुझे मालूम है समस्याओं को, इसलिए मैंने जिक्र किया कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उसमें सरकार को बोझ नहीं पड़ना उनकी समस्याओं के निदान में। मैंने उदाहरण देते हुए रेल के टिकट की बात की और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक तौर पर वैसे सोचते रहते हैं, वो इस दिशा में भी वो काम करेंगे। प्रस्ताव वही कि कूपन का एक कर दिया जाए, फर्स्ट एसी का कर दिया जाए, बाहर के जो कूपन है उसके लिए एयर टिकट की सुविधा हो जाए, क्योंकि अलग से कुछ नहीं देना उसमें, जो बाहर के कूपन राज्य के मिलते उसी कूपन को जमा करके एयर का किराया ले लेना, यही होगा। पूर्व सदस्यों का भी काफ़ी विचार आए हैं इस पर, इसलिए मैंने कहा कि अलग से मैं स्वतः उनकी जो बातें हैं, विचार है या कोई समस्या है तो मैंने अपने को केंद्र मानते हुए उनसे आग्रह किया है कि वो मेरे पास भेजें और संबंधित अधिकारियों को या संबंधित विभाग को मैं उसकी तरह कार्रवाई का, उनकी समस्याओं के निराकरण का मैं व्यक्तिगत प्रयास करूँगा।